कविता क्रमांक 30 खुर्ची आणि स्टूल। प्यारे बच्चों, खुर्ची आणि स्टूल ये एक हास्य कविता है, यानी कि मजाहिया नज़्म है, जिसमें खुर्ची और स्टूल इन दोनों के दरमियान संभाषण यानी कि संवाद बताया गया है। तो आइए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। खुर्ची मनाली अरे स्टूला केव्हा येणार चालायला तुला। प्यारे बच्चों, कुर्सी स्टूल से कह रही है कि पैर होते हुए भी तो चल नहीं सकता, तो कब चलेगा। बच्चों, आपने देखे होंगे कि स्टूल को 3 या 4 पैर होते हैं। इसी बात का मजाक उड़ाते हुए कुर्सी उससे पूछ रही है कि पैर होने के बावजूद भी तू कब चलेगा। स्टूल मनाले त्याच वेळी जेव्हा हाताने वाजवशील टाळी। स्टूल उसे जवाब देता है, उसी वक्त मैं चलकर दिखाऊंगा जब तू हाथों से टाली बजाएंगी। प्यारे बच्चों, आपने देखे होंगे कुर्सी को 2 हैंडल्स होते हैं, दोनों तरफ उसके हाथ होते हैं। तो स्टूल भी उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि मैं तभी चलकर दिखाऊंगा जब तू अपने दोनों हाथों से टाली बजाकर दिखाएंगी। हे ऐकून पंखा हंसला पाय नसून फिरत बसला। कुर्सी और स्टूल की ये नोकझोंक छत पर लटका हुआ पंखा सुनता है और सुनकर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसे तो पैर भी नहीं होते, फिर भी वो फिरता रहता है। तो ये थी प्यारे बच्चों छोटी सी ये हास्य कविता, जिसके कवि है विंदा करंदीकर।